आपका अखंड निधिध्यासन, आपका अखंड निधिध्यासन, आपका अखंड आपका अखंड स्वर सानिध्य हमें निरंतर बना रहे। हे दादा, आपका अखंड ध्यान निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान, श्री दादा भगवान, हम सबको हम सब को उपयोग पूर्वक आपके अंतर आशय अनुसार, आपके आशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, परम ज्योति स्वरूप सिद्ध। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं मैं ज्योति स्वरूप परम सिद्ध ज्योति भगवान स्वरूप हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, विज्ञान स्वरूप छू, विज्ञान स्वरूप छु, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, जय सच्चिदानंद। मैं सच्चिदानंद। हिंदी गुजराती दोनों में चलेंगे कि हिंदी में हमारे ज्योत्स्नाबेन बोलेंगे कि गुजराती हमारे प्रिय है, तो दोनों भाषा का इस्तेमाल करेंगे। एवं भाषा वापरीशु ज्योत्स्नाबेन शु करीशु। हिंदी ज्योत्स्नाबेन अनम्यूट कर जो। अनम्यूट कीजिए। ज्योत्स्नाबेन ने हिंदी समझाए कि बच्चे गुजराती हाँ, ना ना ना, ऑल राइट सर। तमें हाँ, बोल जो गुजराती माँ वांधो नहीं, आप ना में बोल सकेंगे। बाकी हिंदी में थोड़ा सत्संग करेंगे। ये नाइजीरिया वालों से बहुत लंबे समय के बाद मिल रहा हूँ, बहुत समय के बाद, शायद पहली इसलिए बार। हमारी सबकी इच्छा थी कि आज के साथ सत्संग हुआ नहीं है नाइजीरिया के महात्माओं का, तो एक जरूर बार आपके साथ हो जाए। जरूर। तो आप शुरुआत कीजिए। हमने प्रार्थना करके हम अपने घर में दादाजी के साथ बैठे, शुद्ध आत्मा के घर में दादाजी हमारे साथ हैं। शुद्ध उपयोग से हम सत्संग की शुरुआत बातचीत करें, स्वाध्याय सत्संग। अशोक जी, राम जी, सब बात कर सकते हैं। शुरुआत जी, करो, जो भी आपका अनुभव, जो भी आपका विज्ञान समझ, जो भी आप शुरुआत करिए कुछ। मेरा एक प्रश्न है नीलेश जरूर आनंद पूछिए। जी। हाँ, ये हमारी बुद्धि हमें मतलब बहुत कंफ्यूजन कराती है, ये तो ऐसे में एक तो उसको पहचाने कैसे कि भाई ये ये बुद्धि है हमको गलत क्या बोलते हैं, गाइडेंस दे रही है, गलत रही है, और उससे छूटे कैसे ऐसे। कंफ्यूजन का कोई एकाध एग्जाम्पल दे सकते हैं आप सामान्य रूप से? हाँ, यानी ऐसे ऐसे सब हमारी गलती होती, जैसे खराब विचार आया ऐसे, तो तभी वो ऐसे लगता है कि ये बराबर नहीं है, बट फिर वो उसके पीछे लगा रहता है, तो बहुत सफोकेशन ऐसा ऐसा रहता है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो वो इजीली वो हो जाता है। तो वो प्रक्रिया जरा समझनी है कि तो कैसे इससे जल्दी है। आपने पूछा द्वारकेश की बुद्धि का, तो हम्म, ये द्वारकेश या तो शैलेश, मैंने ये नामधारी का जो मशीन है फाइल नंबर एक का, उसके ड्राइवर्स कहाँ हैं? तो बोले अंतस्करण पहला ड्राइवर है। शरीर तो चलने वाला है, अंतस्करण चलाता है। इसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों हैं, और मन और चित्त दिखाते हैं ये करो वो करो अच्छा बुरा जो भी दिखाते हैं। बुद्धि डिसीजन लेने का काम करती है, चलता है। अभी जो हमारा नॉर्मल व्यवहार चल रहा है, जॉब जाना है, घर का काम करना है, फाइल है, जो संबंधित
वहां तो सामान्य तौर से जरूरत जो होगी वो अंतस्करण बुद्धि के साथ काम करता रहेगा, वहां तो जो सम्यक बुद्धि है, राइट यस इंटेलेक्ट है, अपने को हेल्प भी करेगी, तभी जाके काम होंगे। और सबको अनुभव है कि दादाजी का विज्ञान मिलने के बाद अंदर सुख शांति आनंद है, तो क्लैरिटी बड़ी है, तो 3 घंटे का काम 30 मिनट में हो जाता है। वो जॉब पर आप है तो दूसरे करीगों के मुताबिक आपको जल्दी से समझ आती है, जल्दी से काम निपटता है। बाहर के कामों में और फाइलों के संभाव से निपटारे में बुद्धि हमें मदद करती करती है, फाइल एक को और के पर प्रज्ञा का प्रकाश भी है। अभी आपका जो प्रश्न है मुख्य तौर से वहां आता है जहाँ फाइल एक और हम शुद्धात्मा हैं और फाइल एक का मन या चित कोई गलती वाली दिशा में दिखाता है हमें, और या तो गलती होती है और बुद्धि उसका रक्षण करने की कोशिश करती है या दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करती है। पहचाने कैसे? पहली बात कि सादी भाषा में बात करें तो जो अंदर थोड़ा ऊंचक नीचक चालू हो गया, आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, बुद्धि समझाने जाती है मगर अंदर शांति नहीं होती, शमन नहीं होता। कभी बोला समझ हमेशा समावी देशे, ने बुद्धि उठावी देशे। ही हमारा कोई काम के लिए बुद्धि उसको रैशनलाइज या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर जब तक वो सही रास्ते पर नहीं होगा ज्ञान की दृष्टि से तो अंदर शांति समन नहीं होगा, अंतस्करण चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो वहां ये ठीक नहीं है, नंबर वन। नंबर टू कि प्रज्ञा का काम रिलेटिव और रियल को अलग करना है कि भाई शैलेश का मन है, मैं शुद्धात्मा, अच्छा विचार या बुरा विचार वो तो मन का स्वभाव है, मैं शुद्धात्मा। यहाँ एक चीज ये समझनी है कि हम बुरे विचार को रोकने की कोशिश करते हैं या तो बुरे विचार नहीं आने चाहिए ऐसी कोशिश करते हैं या तो ऐसी हमारी भावना होती है कि हम आत्मा हो गए अभी ऐसे विचार हमको शोभा नहीं देते। दादाजी ने बोला मन फिजिकल है, उसके ऊपर कुछ बाइंडिंग मत लगाओ, देखते रहो। हाँ, हम सिग्नेचर ना करें मगर इतना मन को ना बोलेंगे, कंट्रोल करने जाएंगे, मन वहीं भागेगा। इसलिए मन को छोड़ दीजिए, देखते रहिए अपनी सही, बिना मन कोई अपने को खींच के ले जाने वाला। तीसरी चीज, मैं देखने जानने वाला हूं, यदि कोई तन्मयता हो गई, कुछ आगे बढ़ गया तो प्रतिक्रमण करवा लूंगा। फिर जब बुद्धि बोलती है कि नहीं ये तो ये संयोग के वसात मुझे ऐसा करना पड़ा, ये था इसलिए ऐसा करना पड़ा, तो हम समझ जाएंगे आज्ञा के बाहर जो कुछ भी हो रहा है 5 आज्ञा का यूज नहीं हुआ, या तो 5 आज्ञा से जो फिट नहीं रहा या तो हमने किया नहीं, बुद्धि है। एग्जाम्पल ये दिखाता है कि द्वारकेश ने क्यों 10 मिनट पहले मीटिंग स्टार्ट नहीं की, ऐसा किया वैसा किया, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि बुद्धि का काम है, क्योंकि व्यवस्थित शक्ति क्या बोलती है कि भाई हुआ और हुआ सो करेक्ट और टाइम से हो गया है आपके उसमें रिलेटिवियल। तो 5 आज्ञा से जो समाधान मिलता है वहां बुद्धि का शमन है, बुद्धि परेशान नहीं करती है। 5 आज्ञा यूज नहीं हुई, पहली 4 खासतौर के, तो वो दोरी बुद्धि के हाथ में होती है। और अन्य तौर से हमारी सबकी समझ है कि छोटी मोटी बातों में वो बोलती रहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे तो ऐसा करना चाहिए था, ये समझता नहीं, इतना बोलता हूं मगर पता नहीं ऐसे ही करते चलो, उसकी प्रकृति ऐसी है। ये जो दूसरी दृष्टि से दिखाती है, प्रकृति की दृष्टि से, अंदर असमाधान होता है, हमारा सुख आगे पीछे हो जाता है, वो बुद्धि का काम है। तो दादाजी बोले हम अबूध हैं, क्या है हमें द्वंद्व नहीं, अच्छा बुरा होना चाहिए, हम जानते बस सब कुछ है मगर उसमें फंसते नहीं, तो द्वंद्व ड्यूअलिटी में नहीं है, हम व्यवस्थित को समझते हैं। तो दादाजी ने यहाँ तक बताया कि मान लो 6 से 8 का सत्संग होता था, यहाँ चलता है, कोई 8 में 5 मिनट बाकी होता है और आता है, कोई 8 बजे आरती चालू हो जाता है तब आता है, कोई प्रसादी के टाइम पे आता है। हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रसादी खाने के लिए आया, हमारी बुद्धि दिखाएगी या तो इतना लेट आया। दादाजी बोलते हम जानते हैं कि व्यवस्थित शक्ति उसको लाती है, वो आने वाला है नहीं, और आया वही बहुत है। व्यवस्थित शक्ति उसको लेके आई, वहां से निकला सत्संग में आने के लिए, वहां से जमा होने लगा। समझ वाली प्रज्ञा की जो दृष्टि है, समझ है, पहली तो समझ और दूसरी प्रज्ञा, वो उसको समाधान दे देती है और अंतस्करण हमारा फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी के वर्तन के बारे में, किसी की आदतों के बारे में, किसी के व्यवहार के बारे में जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा था,
वो बुद्धि का कारण था, और जब प्रज्ञा उसको प्रकाश देती है, हम प्रज्ञा के पक्ष में पांच आज्ञा के इससे समाधान, ठीक है। तो मैंने तो सिंपल रखा है कि शुद्ध उपयोग और पांच आज्ञा के विंडो में से जो नहीं है वो सब बुद्धि है, और जो परेशान करती है अंदर, परेशान ऊंचक नीचक करवा, सब सब बुद्धि का काम। बराबर बराबर थर्मोमीटर। अच्छा, वसंत भाई साहब क्या बोलते हैं, उनको तो बहुत मालूम है यूज करने का, ज्ञान को कैसे यूज करने का। बिल्कुल सीधी बात है उसके प्रश्न का, कि मेरे शरीर, मेरे दिमाग को अगर किसी बात का बोझा लगता है, that means I am not in myself, I am in Vasant Kothari. Yes, बिल्कुल. And I have to keep the two separate. Yes. And I may not be able to keep Vasant Kothari separate because he is too much involved in that particular issue that is facing, he is facing. Then I have to tell him that, okay, you be, do what you want, but I am not with you. बराबर। और आगे उनका प्रश्न ये था कि वसंत जी को बुद्धि परेशान कैसे न करे। ऐसे ना करें। तो दादा ने सिंपल बोला हुआ है कि हमेशा बुद्धि को बोलते रहो कि तेने मेरे को आज तक कितना सुख दिया वो मुझे मालूम है, तेने आज तक कितना मुझे सुख दिया वो मुझे मालूम है। तो भाई तू अब तेरे घर रहे, तेरे मायके चली जा, मैं यहाँ पे सुखी हूँ। पर कई बार पता ही नहीं चलता है कि बुद्धि है वहां पर, पता तो बाद में चलता है। बुद्धि को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली बुद्धि परेशान, अपन को अगर वो बोझा कोई भी समाधान होगा तो विल फील लाइट, एंड इफ यू आर फीलिंग हैवी मींस इट इज बुद्धि इज ऑपरेटिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो समझ से समाधान और शमन है, बुद्धि से कंफ्यूजन है। बिल्कुल सही, बोझा है, बोझा है, बोझा है, और इमोशनल भी होता है आदमी। हाँ, सब कुछ। चलो आगे चलते हैं। यस, मैं शिलेश भाई एक बात क्लियर करना चाहता हूँ जी, कि दादा का विज्ञान जी जो खुला हुआ उसके अंदर ऑफ कोर्स अकर्ता पने का भाव वगैरह सब है, but the most important thing that Dada has, he has differentiated from whatever gyan was there on this earth, is the existence, is the creation of ego. Ki bhai ye dono saath mein aaye aur ek teesri cheez khadi hui, that is ego. Ji. Ji. Which doesn't have the property of either atma yeah. or of prakriti. Ji. And it has a beginning and it will have an end. जी. तो ये जो इसकी जर्नी है, from beginning to the end, मैं समझता हूँ कि ये ईगो की जर्नी है। अब क्या है, दादा के साथ जो लोग प्रश्न करते थे, they come from different backgrounds. कोई जैन है, कोई किधर है, कोई वैष्णव है, they bring their own terminology from their own शास्त्र and tell him. He accepts it. He tries to explain them in that फैशन। तो ये एक अभी जो सत्संगों के अंदर मेरे को एक चीज बराबर वो फिट नहीं हो रही है, वो है ईगो एंड प्रतिष्ठित आत्मा। जी बिल्कुल। करते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा मींस यू हैव डन प्रतिष्ठा, जिसके कारण वो आत्मा, इट मींस यू हैव पुट अ कॉज एंड दैट इज द इफेक्ट। नाउ इफेक्ट कैन बी कैनॉट डू अ पुरुषार्थ, कोई भी इफेक्ट पुरुषार्थ का साधन नहीं हो सकता। बिल्कुल। पुरुषार्थ का साधन केवल ईगो हो सकता है, भले वो सम्यक है या डिस्चार्ज है, चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है, चार्जिंग है बेसिकली, डिस्चार्जिंग भी कोई पुरुषार्थ का साधन नहीं है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी ये तफावत, और जो आपने भी सुना होगा, और कैसे सब आप इसको एलाबोरेट कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। तो साहब ने ये विज्ञान का प्रश्न अच्छा खड़ा किया है। तो प्रतिष्ठित आत्मा और ईगो, अभी दो चीज हैं कि ईगो जैसे आपने बताया, जब अज्ञान दशा अग्नि दशा है, मैं शैलेश हूं और मैं कर रहा हूं, तो आत्मा की हाजिरी में जो विशेष भाव हुआ, तो वहां पर जंक्शन पॉइंट पर एक खड़ा हो गया,
और जब तक अज्ञान दशा या अग्नि दशा है, मैं शैलेश हूं, मैं कर रहा हूं, वहां तक ईगो जीवित भी है, मैंने दो काम कर रहा है, चार्ज और डिस्चार्ज, भाव का बनना और द्रव्य का निर्जरा होना। अभी प्रतिष्ठित आत्मा जो है उसके भी दो भाग, मूल स्वरूप से प्रतिष्ठित आत्मा, इसको कहा गया कि मैं शैलेश हूं, मैं कर रहा हूं, करते मैंने जो प्रतिष्ठा की थी भावों के, बिलीफ के, मान्यताओं के आधार पर जो भी पूरा ये बना, वो आज मुझे फल दे रहा है। पुरानी प्रतिष्ठा वो आज का रूपक में आया हुआ शैलेश, जिसमें सब कुछ आ गया, मन, वाणी, काया, नाम, नाम की माया, द्रव्य कर्म, नो कर्म। भाव कर्म तो जीवित, वो जंक्शन पर जीवित है, और उसकी मान्यताएं, उसकी बिलीफ सूक्ष्म में जो भी है। तो पुरानी प्रतिष्ठा आज फल दे रही है, जो अज्ञानियों के लिए पुराना प्रतिष्ठित आत्मा फल देता है और नया प्रतिष्ठित वो जनरेट करता है, क्योंकि मैं शैलेश हूं और मैं कर रहा हूं। मैंने निर्जरा में दूसरा बंध भी है। अभी महात्माओं के लिए दादाजी ने सजीव अहंकार को निकाला कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो शुद्ध में बिठाया, शुद्ध विकल्प हुआ, इसलिए उसको सजीव अहंकार को निरहंकार बोला और मैं करता नहीं हूं। जो अहंकार के दो मुख्य पिलर थे कि मैं नामधारी हूं और मैं कर रहा हूं, उसको उठा के मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं बिठाया। अभी प्रतिष्ठित क्या रह गया, तो बोले फाइल वन, जिसमें अकेला डिस्चार्ज अहंकार नहीं है मगर सब कुछ उसका लश्कर है। क्या है? अहंकार है, वो आपकी बात सही है, मगर पूरा लश्कर साथ में वो प्रतिष्ठित आत्मा बनाता है। क्या बनाता है? जिसमें डिस्चार्ज अहंकार, डिस्चार्ज ममता, डिस्चार्ज क्रोध मान माया लोभ, डिस्चार्ज मान्यताएं, सब कुछ मन वाणी का सब सामान है जो पुरानी प्रतिष्ठा करके हम लाए हैं। आज फाइल एक के स्वरूप में हमें फल देके जा रहे, किसी का जैन प्रतिष्ठित है, किसी का वैष्णव प्रतिष्ठित है, किसी का वो है। तो दादाजी ने सादी भाषा में बताया कि जो जैसी प्रकृति लाया है उसका समभाव से निपटारा करना है, मैंने ज्ञाता दृष्टा रह के उसको निपटाना है। वो महात्माओं के लिए प्रतिष्ठित। अभी महात्माओं का नया प्रतिष्ठित क्या होगा? तो बोले आम तौर पे भटकाने वाला तो दादाजी ने बंद कर दिया, मगर ये पांच आज्ञा का पालन करना है, थोड़ा जगत कल्याण का भाव है, उसमें जो बनेगा वो दो तीन अवतार का पुण्यानुबंधी पुण्य वाला, तीर्थंकरों के पास ले जाने वाला, उनकी सभा में ऐसा बंधारण हो रहा है तो आगे। तो प्रतिष्ठित आत्मा अकेला अहंकार नहीं है, अहंकार के साथ पूरा विस्तार सब कुछ चीज है, उसमें स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक के तमाम जो परमाणु चार्ज किए हैं एक या दूसरे रूप से, वो सब कार्यकारी है, वो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित है। और अहंकार जब अग्नि दशा है तो दोनों के जंक्शन पॉइंट पर काम कर रहा है, वो सजीव है, वहां तक दोनों काम होता है, डिस्चार्ज और चार्ज। और महात्माओं को जब दृष्टि मिलती है, सजीव भाग में शुद्धात्मा हूं मैं बैठ जाता है, अब डिस्चार्ज अहंकार उसका फाइल एक, मैंने प्रतिष्ठा पुरानी प्रतिष्ठा का आज डिस्पोजल हो रहा है, हम मैं शुद्धात्मा हूं, प्रज्ञा के प्रकाश में मैं प्रतिष्ठित का समभाव से निकाल कर रहा हूं। ठीक है? तो ये आपने जो शब्द यूज किया अभी, मैं प्रतिष्ठित का संभाव से निकाल कर रहा हूं, मैं कौन है? मैं जो पहले जानता था कि मैं शैलेश हूँ, अभी जानता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, पांच आज्ञा में रहना है, शुद्ध उपयोग है, मैंने अंतरात्म दशा में प्रकाश में ज्ञानी बाबा जिसे बोलते हैं, ज्ञान दृष्टि पाया हुआ बाबा, मैंने अंतरात्म दशा में जो आया, पुरुषार्थ धर्मों में जो आया, वो मैं, दरअसल मैं तो है ही, मगर ये अलग ही है। बीज से पूर्णिमा की जिसकी यात्रा शुरू हुई है, तो मैं तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि ये मैं अहंकार है। हाँ, वो मैं अहंकार है, मगर जब मैं शैलेश हूँ, जब विभाव में प्रभाव में बैठा था, टेम्पररी में मैं मानता था, तो अहंकार बोला जाता था। अभी जब परमानेंट में अपने शुद्ध स्वरूप में मैं मानता हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं असंग हूँ, मैं निर्लेप हूँ, अहंकार है, मगर शुद्ध अहंकार है, इसीलिए उसको अहंकार नहीं बोला गया है। अब वो
मैं तो रहेगा, अंत तक रहेगा, केवल ज्ञान 359 तक होगा, फिर मिक्स हो मर्ज हो जाए, फिर तो सवाल हो जाएगा। मगर वो शुद्ध है, शुद्ध में बैठा हुआ है, शुद्ध की भजना कर रहा है, शुद्ध में जा रहा है, शुद्ध उपयोगधारी है, इसलिए उसको ज्ञान लिए हुए महात्माओं के लिए वो प्रज्ञा भी वही वही हो गई बराबर, फिर वही बात। नहीं, प्रज्ञा तो चेतावनी देती है, जागृत करती है। प्रज्ञा के लाइट में प्रज्ञा में रहूं भी सही, नहीं भी रहूं, मैं उस बाजू भी चला जाऊं, इस बाजू भी आऊं, जो महत्व को होता रहता है। तो प्रज्ञा इज ओनली अ लाइट, प्रज्ञा तो लाइट देती है कि भाई ये इट इज नॉट अ साधन। नहीं, जर्नी मैं वाले की है, शुद्ध जो जर्नी है, प्रज्ञा पाथ दिखाती है, लाइट देती है, जागृत करती है, सलाह सूचन करती है, साथ देती है। जर्नी किसकी? जिसको छूटना है, जिसने जाना कि आत्मा हो, उसकी जर्नी। तो साथ साथ मगर अलग है, इसीलिए कई महात्मा बोलते हैं कि पता चलता है, प्रज्ञा बोलती है, मगर गलती के पक्ष में चले जाते हैं, या तो शैलेश के पक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि वो शुद्ध हुआ है मगर अभी उसका अभ्यास इतना पक्का नहीं हुआ कि इससे अलग ही रहे, उसके में न बैठे, शुद्धात्मा के पक्ष में ही रहे, ऐसा अविरतपन से नहीं होता है। वो खंडित है, क्या है? आता है जाता है, आता है। तो ये दोनों में ये फर्क है। और प्रतिष्ठित तो आज ये फाइल एक पूरी प्रतिष्ठित फाइल के स्वरूप में हो गई, प्रतिष्ठित आत्मा आज। और नया जैसे मैंने बताया, पांच आज्ञा और शुद्ध उपयोग और जगत कल्याण के भाव से जो हुआ। कैन वी से दैट प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करता है? हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करता है। अभी दोनों, मैं सब चीज का दो लेवल पे बात कर रहा हूँ। जगत के लिए जब तक मैं शैलेश हूँ ऐसा मुझे ख्याल था, जब तक कर रहा हूँ ऐसा मुझे ख्याल था, उसको तो मालूम ही नहीं था कि ये प्रतिष्ठित, मैं ऐसा कुछ भान तो था नहीं उसके पास, और हमारे पास उस दशा में कोई भान नहीं था। तो दादा ने बताया कि वो पुरुषार्थ क्या है, तो बोले रिलेटिव पुरुषार्थ या भ्रांत पुरुषार्थ। भ्रांत तो ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने के बाद, जगत को ये नहीं बोल सकते भ्रांत, जगत को नहीं बोल सकते, वही मैं कह रहा हूं। हाँ, जगत को तो वही बोलना है कि भाई आप पुरुषार्थ करो, विच इज ईगो। हाँ, मगर हम अभी समझते हैं कि एक पुरुषार्थ जो प्रकृति के भाग से वो कर रहा है, जो आप प्रतिष्ठित बोल रहे हो जिसको, मगर वो भी करता है। कैसे प्रकार से करता है समझाता हूं आपको, कि शैलेश को कोई विचार, ज्ञान की बात जाने दी, अज्ञान दशा की बात करता, कोई विचार आया, फिर उसके अंदर दो प्रकार की शक्ति है, एक गलती या ऊर्ध्व या अधोगामी की ओर ले जाने वाले, और दूसरी उसको भी पता चलता है कौन सी, जिसको बोलते हैं चेतावनी देती कि ऐसा नहीं किया जाता है, विवेक बुद्धि जिसको शास्त्र में बताया था, डिस्क्रिप्शनरी अंडरस्टैंडिंग कि ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, ये दिशा में जाना ठीक है। हम ही हमारा पीछे देखे, ज्ञान तो अब मिला, उसके पहले भी हम काफी चीजों से बचे हुए हैं, क्यों? थी जो हमें समझाती थी, रोकती थी, हाना करती थी, योग्य अयोग्य दिखाती थी, तो उस आधार से अज्ञान दशा में भी वो पुरुषार्थ कर सकता है कि भाई गलतियों के लाइन पर जाऊं या रुकूं। और कई लोग उसकी माफी भी मांगते हैं, आलोचना का भी प्रयोग उन लेवल पर है, कन्फेशन का प्रयोग है, प्रतिक्रमण जो भी आता है उसे करवाते हैं। तो पूरा मार्ग देखो जगत के लिए, या 24 तीर्थंकर, जब तक ज्ञान दृष्टि ज्ञान या तीर्थंकर को नहीं मिलते हैं, तब तक अपनी जो कुछ भी समझ डेवलप हुई है उसके पास, ऊर्ध्वगामी समझ, उसके आधार से वो ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ कर सकता है, नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। तो हम जो ब्लैंकेट बोलते हैं कि प्रतिष्ठित मैंने प्रकृति से कोई पुरुषार्थ नहीं हो पाता है, वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट जगत के लिए उपयोगी नहीं है, या तो वैज्ञानिक नहीं है। भले ही वो रिलेटिव पुरुषार्थ रहा, भले ही वो भ्रांत पुरुषार्थ माना जाए, मगर वहां भी पुरुषार्थ है। यदि नहीं है, तो दादाजी बोला सब पत्ते खेलने जाएंगे, पब में जाएंगे, दारू पिएंगे, चोरी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर पांच महाव्रत का कहां सवाल आया, सत्य का सवाल कहां आया, हिंसा का सवाल कहां आया, चौर्य का सवाल कहां आया, वहां भी सब कुछ है। तो वो लेवल का पुरुषार्थ है, मगर वो अहंकार सहित है, उसको मालूम नहीं। अच्छा,
उस लेवल में सही पुरुषार्थ कौन सा है अग्नि दशा में जब तक मैं शैलेश हूं, तो बोले भाव पुरुषार्थ। क्या है भाव पुरुषार्थ? पुरुषार्थ वो भाव शुद्धात्मा का तो है नहीं, तो भाव किसका है? तो बोले वो सजीवन अहंकार भाग में जाता है। क्या जाता है? अहंकार स्वरूप है, वहां तो अहंकार जीवित है, तो वो खुद है और वो खुद पुरुषार्थ कर रहा है, वो भाव पुरुषार्थ कर रहा है। क्या कर रहा है? जिसे हम पुरुषार्थ बोल सकते हैं, रिलेटिव पुरुषार्थ बोल सकते हैं, तो वो दूसरा स्टेप है उसका। और जब स्वभाव प्राप्त होता है मैं शुद्धात्मा हूं, तब हम मूल पुरुषार्थ में आए, रिलेटिव रियल को अलग करने का या पांच आज्ञा से चलने का। अभी हमारा प्रतिष्ठित शैलेश वो क्या काम करेगा? वो पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा? भले ही हम पुरुषार्थ शब्द यूज न करें, मगर हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए ये मन वाणी काया प्रज्ञा के प्रकाश में, प्रज्ञा उसे बताती है कि भाई आप ये रहो, आप नियम से चरण विधि करो, आप पांच सत्साधन करो, ये त्रिमंत्र बोलो, आप प्रतिक्रमण करो, आप संयम से रहो, ज्यादा खा मत जाओ, मन वाणी काया संयमित है तो मैं शुद्धात्मा में रह सकूंगा। ये सब में ये मन वाणी काया का साथ मिल रहा है। पहले जो अज्ञा के गाइडेंस में चल रहा था, अज्ञ शक्ति जिसको गाइड कर रही थी, अभी ये मन वाणी काया मैंने प्रतिष्ठित को प्रज्ञ शक्ति का प्रकाश का गाइडेंस मिल रहा है। मेरी बात सही है या गलत है? पहले जो वसंत जी अग्नि शक्ति के ही इन्फ्लुएंस में चल रहे थे, अभी वसंत जी भी प्रज्ञ शक्ति के इन्फ्लुएंस में चलते हैं। बात सही है कि गलत है? अभी वसंत जी भी फाइलों का संभाव से निपटारा करने की कोशिश करते हैं और टालने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट एवरीवेयर की कोशिश करते हैं, दादा के सिद्धांत से चलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लाइट मिली है। क्या मिली है? लाइट मिली। हाँ, तो ये प्रतिष्ठित भी अभी प्रकाश में चलने वाला हो गया, इसलिए मैं समझता हूं कि प्रज्ञा के प्रकाश में चलना वो प्रतिष्ठित का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। भले उसको पुरुषार्थ शब्द न यूज करो, मगर है। हाँ, स्वतंत्र पुरुषार्थ शुद्धात्म का है, मगर प्रज्ञा के प्रकाश से चलना, सत्संग में रहना, जैसे ये द्वारकेश जी ने बताया, दोनों बाजू खिंचातानी चलती है, गलती की ओर जाने की खिंचातानी चलती है, ये गलती में से वापिस आने की खिंचातानी चलती है, वो किसकी है? प्रकृति। मैंने द्वारकेश के भाग में हो रहा है, मगर एक अज्ञा है और एक प्रज्ञा है, अज्ञा है और प्रज्ञा है। अज्ञावस्था से बंधा हुआ प्रज्ञावस्था से छूटने की कोशिश कर रहा है, अभी क्या कर रहा है? सो मैं समझता हूँ कि विज्ञान शुड बी ओवरऑल फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स, उसकी पहलुओं से जब हम देखें तब विज्ञान होगा। इसीलिए हम भले बोले कि प्रतिष्ठित पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, वो तो अंतिम बात है, पुरुष होने के बाद की बात है, मगर वो भी पूर्ण सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है मेरे हिसाब से। क्योंकि इस अपेक्षा से जब ये प्रतिष्ठित शुद्ध होगा, दादाजी का प्रतिष्ठित, दादाजी की प्रकृति, ये वर्ते भगवन रूपे पोते वर्ती ने वर्तावे तद्रूपे, उनकी प्रकृति भी इतनी शुद्ध हो गई प्रज्ञा के प्रकाश, उनका प्रतिष्ठित ऐसा शुद्ध हो गया कि सजीवन मूर्ति के रूप में लाखों लोगों का कल्याण, हजारों का कल्याण हुआ। तो वहां पर उनके प्रतिष्ठित ने कुछ शुद्धिकरण का पुरुषार्थ नहीं किया? किया, प्रज्ञा के प्रकाश में हुआ। क्या हुआ? किया बोलो या हुआ बोलो, हुआ सही शब्द है, हुआ सही शब्द है, पर हुआ होता है, क्या होता है? सो दोनों अपेक्षा से मेरे ख्याल से हमें लेना है विज्ञान, और अज्ञान दशा में विवेक बुद्धि से, डिस्क्रिशनरी अंडरस्टैंडिंग से जो ये प्रतिष्ठित चलता है, वो उसका बहुत बड़ा पुरुषार्थ मेरे ख्याल से माना जाएगा। और दूसरा भाव पुरुषार्थ जो मूल पुरुषार्थ है, और ज्ञान मिलने के बाद मेरा पुरुषार्थ और अंतरात्मा का, पांच आज्ञा का और प्रतिक्रमण का पुरुषार्थ, और प्रज्ञा के प्रकाश में चलना मेरी प्रकृति का, प्रतिष्ठित का पुरुषार्थ बोलो या सही दिशा में चलना बोलो या शुद्धिकरण का प्रोसेस बोलो, ये सब चीज हो रही है। हो रही है? आपको क्या लगता है? नहीं। प्रतिष्ठित के भाग में कुछ, यदि प्रतिष्ठित के भाग में कुछ करना ही नहीं होता तो वो तो खा पी के सोच, उसको तो मजा पड़ जाएगी कि करो दौड़ो। मैं तो my question was using of the terminology basically। मैं समझ गया। not for the महात्मास,
supposing you are talking to a new audience, supposing you are today to give a lecture to Jain people who have not taken Dada's Gyan, then what word would you use? वहां मैं प्रतिष्ठित आत्मा का उपयोग पहले तुरंत नहीं करूंगा। ये तो दादा का विज्ञान में, दादा का विज्ञान समझाने के लिए अगर आज मैं नए लोगों से बात करता हूँ जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, तो मुझे अहंकार शब्द ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आत्मा, उसमें फिर यू हैव टू जस्टिफाई दैट आत्मा इज एब्सोल्युटली प्योर। नहीं, वो समझ गया, मैं तो उससे के जाता हूं, अहंकार शब्द भी मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो खुद है, उसमें अहंकार वही अहंकार को समझाना पड़ेगा कि दादा की अहंकार की डेफिनेशन क्या है। अहंकार अकेले को नहीं, सब कुछ समझाना पड़ेगा। 1992 में पहली बार टाउन हॉल में शैलेश भाई को जाने का बुलावा, इनविटेशन, कुछ मालूम नहीं था, थोड़ी अंदर से दादाजी को हाजिर करके विचारणा की, भरतानंद जी के साथ थोड़ी बहुत पॉइंट्स की चर्चा कर ली, और बस में गए थे, कोई साथ में भी नहीं था। 52 टू 55 मिनट्स अस्खलित दादाजी ने बोले, दादाजी ने तो सुना, दादाजी बोले, ऐसा ही होता है। एक भी टेक्निकल वर्ड नहीं आया था उसमें जो आप बता रहे, एक भी टेक्निकल वर्ड नहीं आया था, मगर उनकी दृष्टि परिभाषा से इतना बढ़िया प्रैक्टिकल डे टू डे लिविंग का निकला। रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, रोज बरोज में कहाँ हो रहा है, कषाय भाव में जो बोलते हैं वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, फिर हम उसको ये समझाएंगे कि हमारी गलतियां दोष किसको बोलेंगे। तो बोले ये बुरे विचार आना, किसी विषय में जाना, किसी के लिए कषाय भाव होना, ये सब गलतियां हैं जो पहले अपने को दुख देती हैं। कर्म तो बाद में बनता है, पर पहले इंस्टेंटेनियसली अपने को इफेक्ट करती हैं। तो उसको समझे तो उसका निवारण भगवान ने क्या बताया, एक तो भाव शुद्धि कि भाई गलती हो जाएगी मगर भाव पलटो, दूसरा प्रतिक्रमण, भाव आलोचना, भाव प्रतिक्रमण, भाव प्रत्याख्य। तो ये उनकी भाषा में धीरे धीरे समझा, जैन की बात की तो किसी की भी बात ले लो समझा सकते हैं हम, मगर पहले मेरे अंदर इतना दादाजी की कृपा से अंदर चल रहा है तो फिर अपने आप दादाजी हाजिर होके सब कुछ करेंगे। अहंकार हमारे वर्ड है, अहंकार भी नहीं, जगत के लोगों को अहंकार बोलेंगे तो उसके सर में लगेगा कि मुझे अहंकार ही बोलते हैं ये लोग, आप कैसे हैं, ऐसा सामने आएगा। अहंकार सादी भाषा से बात लेने की, भगवान ने क्या बताया, योग उपयोग परोपकारो, कि भाई तुझे सुखी होना है, हाँ 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 जरूर से सुखी होना है, तो बोले दुख कहाँ से आता है, तो बोले तुम्हारे मनवाणी का ऐसे सब होता है, उस समय तुमको डिस्टर्बेंस होता है, हाँ होता तो देखा नहीं अभी तक कभी, तो आप किसी को सुख, अरे चॉकलेट बांटने की को भाव करो, या पंखी को दाना डालने का, किसी को मदद करने का अभी की नहीं, उसके पहले अंदर सुख हाँ आता है, तो बस इतना करो कि मेरे मनवाणी काया पहले मुझे असर करती है, तो किसी को दुख ना हो और किसी को सुख हो, और भगवान के सभी सिद्धांत व्यवहार के आगे उसमें, ऐसे करते करते आगे लेना पड़े, क्या करना पड़े, बराबर और सनातन सुख चाहिए तो सनातन क्या है अंदर वो ढूंढो, बिल्कुल सादी भाषा में, बिल्कुल सादी भाषा में, बिना कोई टर्मिनोलॉजी, बिना कोई टर्मिनोलॉजी। पूछेगा तब बात अलग है, उसने पढ़ा है और वो पूछता है अहंकार क्या है तो बात अलग है। मुझे ही नहीं मालूम था दादाजी को मिला वहां तक कि नहीं, किसी को नहीं मालूम था सर, तो वो पजल में डालने का नहीं, उसको हमारा काम उसके पजल कम करके आनंद देना है उसको। हाँ प्लीज पूछिए, दो लोगों के प्रश्न है, पूछिए। चंपक भाई अनम्यूट। हाँ जय सच्चिदानंद साहिब जी, व्यवहार आत्मा, निश्चय आत्मा और शुद्ध आत्मा, ये तीनों का डेफिनेशन और तीनों का फंक्शन क्या है? निश्चय आत्मा शब्द क्या थी लिधो आपे संदर्भ में? आप तो वाणी अने व्यवहार એટલે કયો વ્યવહાર, આપણે મહાત્માઓની વાત કરીએ છે કે જગતની? અત્યારે તો આપણે ના, બરોબર છે, પણ મારે તો પૂછવું પડે, કારણ કે આપણે શું થાય,
क्या सत्संग विचारो बीजो कोई सांभळे कोई मित्र ने मोकली दी जन पासे दृष्टि न पड़ो जी वात बत्ते लेवल थी होय जी હવે व्यवहार शब्द ज निश्चय प्राप्त થયા પછી આવે છે કે હું નિશ્ચય નિર્ણય થી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું મન વચનથી જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું તો હિન્દી મે સત્સંગ હા હા મે આપકા પહોંચ ગયા મુજે તો મે વચન કાયા નામ ઓર નામ કી માયા સે બિલકુલ ભિન્ન એસા શુદ્ધાત્મા હું વો દ્રષ્ટિ મિલી પ્રાપ્ત હુઈ ઉસકે બાદ જો બાકી રહે ગયા મન વાણી કાયા નામ નામ કી માયા और द्रव्य कर्म का पोटली ये वो व्यवहार शैलेश पहला व्यवहार यहाँ दूसरा बाहर उसको संलग्न व्यवहार व्यवहार आत्मा शब्द दादाजी ने जो यूज किया था वो जगत को समझाने के लिए यूज किया कि लोग कहते हैं कि आत्मा ही करता है आत्मा ही भोगता है आत्मा ही जगत का पिवट धरी है तो दादाजी ने बोला कि वो मूल आत्मा नहीं वो व्यवहार आत्मा बिलीफ आत्मा क्रमिक में तो वही मानते हैं इसलिए व्यवहार आत्मा शब्द वहां पर यूज किया दादाजी ने जी आरोपित आत्मा या व्यवहार आत्मा फिर प्रतिष्ठित जो अभी इनके साथ बात की वसंत जी के साथ उस जी में दादाजी ने प्रयोजन किया व्यवहार आत्मा में सब कुछ साथ में होता है सजीवन अहंकार के साथ चार डिस्चार्ज में प्रतिष्ठा जा रही है और नहीं हो रही है नहीं नहीं ये दोनों चीजें निश्चय आत्मा और शुद्धात्मा शुद्धात्मा में मन वचन का नाम और नाम की माया से और कर्म से बिल्कुल भिन्न अमूर्त अरूपी ऐसा शुद्धात्मा हो तो शुद्धात्मा की दृष्टि उसे को ही निश्चय बोलते हैं क्या बोलते हैं रिया उसी को ही निश्चय बोलते हैं सो सही अर्थ में मैं शुद्धात्मा हूं वही निश्चय है और उसी को मैं निश्चय रहा या निश्चय आत्मा या मूल आत्मा या शुद्ध आत्मा बोलूंगा इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा तो बोले हम अंतरात्मा दशा में आए हैं शुद्धात्मा का गुणधर्म हमने जान लिए मगर हमारी वर्तना हमारी स्टेट हमारा अनुभव हमारी जर्नी इंटरमीडिएट स्टेज है कहीं कभी ये बाजू कभी ये बाजू कभी ये बाजू कभी वो बाजू तो वहां पर जो मैं निश्चय करवाता हूँ कि मुझे पांच आज्ञा में ही रहना है शुद्ध उपयोग में उपयोग चूंकि गलती हो गई तो प्रतिगमन करवाना है अभी मेरा स्टेट है अंतरात्मा जो अभी निश्चयात्मा के बल से निश्चय बल से शुद्धात्मा में परिणमित हो रहा है तो ये सेकेंडरी डेफिनेशन है निश्चयात्मा की मूल तो मैं शुद्धात्मा हूँ वही निश्चय है वही मूल चीज मगर अभी अंतरात्मा दशा में जो हम निश्चय करते हैं करवाते हैं आज्ञा में शुद्ध उपयोग में रहना है ये करना है वो करना है प्रकृति के दोषों को देख के उसका प्रतिक्रमण करवा के शुद्धिकरण करवाना है ये सब हमारी निश्चयात्मक जर्नी है अंतरात्मा जी, ठीक है? जी, तो प्रैक्टिकल स्वरूप से मैं तो ये रूप से लेता हूँ जी 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 चलो और जय सच्चिदानंद आगे चलो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सुबीर भाई अनम्यूट कीजिए जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आवाज आ रहे हैं ना शैलेश हाँ बिल्कुल बढ़िया आज जय सच्चिदानंद अहमदाबाद जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दादाजी का रोज कुछ ऑडियो फाइल भेजते हैं तो उसमें से एक ऑडियो फाइल में दादाजी आज जॉर्ज और चेतन के समीप भाव से विशेष भाव जो उत्पन्न होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी के संदर्भ में एक बात भी उन्होंने बोला है जी अस्तित्व वस्तुत्व पूर्णत्व लेकिन वो थोड़ा सा साइड हो गया था जी ने उसके ऊपर फोकस नहीं किया वो विशेष भाव के ऊपर फोकस किया था तो मेरे को अस्तित्व वस्तुत्व पूर्णत्व बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानने का है जरूर से सुबीर जी बात करते हैं अस्तित्व मैंने मैं हूं मेरे एग्जिस्टेंस का ख्याल जीव मात्र को है मैं हूं जो भी स्वरूप से है राइट तो उसका ख्याल तो छोटे मोटे सभी जीवों को है मनुष्य के अलावा भी जीवों को है कि मैं हूं अवेयरनेस जिसको हम बोलेंगे अवेयरनेस एग्जिस्टेंस
फिर वस्तुत्व, मैंने मैं क्या हूं, क्यों, वो तो पर वस्तु में था, मुझे मेरी वस्तु में का मेरा मेरे मूल का मुझे ख्याल नहीं था। तो जब दृष्टि मिलती है कि महिलेश व्यवहार दृष्टि से निश्चय से मैं शुद्धात्मा हूँ और गुण ये है चैतन्य स्वरूप हूँ, अमूर्त हूँ, अरूपी हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, आनंद ज्ञान वाला, तो वस्तु मैंने सनातनता, मेरी जो मूल स्वभाव है, साइंस में जिसको हम तत्व स्वभाव बोलते हैं, कोई भी तत्व होता है तो उसका एग्जिस्टेंशियल मैटर होता है, उसके गुणधर्म होते हैं, उसका फंक्शन या स्वभाव होता है। यहाँ शुद्धात्मा हूँ, वो मेरा वस्तु, वो चैतन्य स्वरूप एक वस्तु है, भले रूपी से नहीं दिखता मगर खुद के अनुभव में आता है, उसका संकोच विकास देह के प्रमाण में वो भी होता है, सब वो ने वस्तु का, उस गुणधर्मों का जब मुझे ख्याल आता है, समझ मिलती है, तब मुझे वस्तुत्व प्राप्त होता। और वस्तु की प्राप्ति, वस्तुत्व की दृष्टि या समझ या दर्शन प्राप्त होने के बाद पूर्णत्व में आप होता रहेगा, क्योंकि अभी मेरा मुंह मुड़ गया, मेरी जागृति कॉन्सियस शुद्ध चित्त जो भी बोलो, और वो अभी धीरे 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 शुद्ध की ओर ही परिणमित हो रहा है, भले ही ये मन वाणी काया का जो भी डिस्चार्ज है, अशुद्ध चित्त वाला भी है, वो निर्जरित हो रहा है, मगर वो तो चार्ज पावर डिस्चार्ज हो रहा है, मगर जो अभी जागृत है, जीवंत है, शुद्ध आत्मा हो, तो वो शुद्ध में परिणमित होता पूर्णत्व की ओर ले जा रहा है और पूर्णत्व में परिणमित हो जाएगा। इसलिए दादा बता कि अस्तित्व का भान पूरे जगत को है, वस्तुत्व ख्याल ही किसी को नहीं है कि वस्तुत्व कुछ होता है, ढूंढना चाहिए, शंका भी नहीं होती है कि मैं शैलेश ही हूँ। जब कोई ज्ञानी मिलते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि आप सचमुच कौन है, तब शंका आती है, तब वस्तुत्व की ओर देखने की वृत्ति होती है, और ज्ञानी होते हैं तो वस्तुत्व की दृष्टि दे देते हैं, तो फिर वस्तुत्व की ओर अपने आप जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके हिसाब से मैं थोड़ा समराइज करता हूँ, तो अस्तित्व जो है वो मैं हूँ, लेकिन ये जो मैं हूँ ये भी ज्ञान प्राप्ति के बाद और ज्ञान प्राप्ति के पहले दोनों में डिफरेंस तो होता ही है। ज्ञान प्राप्ति के पहले मैं हूँ मीन्स मैं नामधारी हूँ और वही मैं हूँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद मैं दोनों अलग हो जाता है, मतलब रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट से दादाजी ने एक्सप्लेन किया। वस्तुत्व के बारे में जो मिडिल स्टेज है, वस्तुत्व है, उसमें मैं क्या हूँ और मेरा क्या धर्म है, स्वभाव क्या है, उसके बारे में वो वस्तुत्व को में आता है आपके हिसाब से। वस्तुत्व मैंने मैं शुद्धात्मा हूँ जो दृष्टि हमें मिली, शुद्धात्मा के ज्ञान दृष्टि प्रदान के प्रयोग में या सिद्ध स्तुति में हम जो गुणों के साथ बोलते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्य घन स्वरूप हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं असंग, मैं गुणधर्म के साथ मेरे वस्तु स्वभाव का, मूल स्वभाव का जो मुझे समझ आया वो वस्तुत्व। हाँ, तो ये जो ज्ञान प्राप्ति के पहले जो ना दशा जिसको भी होता है, मतलब महात्मा के सिवाय का, उनके लिए वस्तुत्व क्या है? नहीं, उसके लिए वस्तुत्व है ही नहीं, क्योंकि उसको वस्तु, ठीक है, बस मैं वही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, अपना मूल सनातन स्वभाव उसका ख्याल ही नहीं है। इसलिए दादाजी बोला कि मैं हूँ पूरे वर्ल्ड को मालूम है, अस्तित्व का ख्याल पूरे वर्ल्ड को है, भान है अस्तित्व का, मगर वस्तुत्व का भान नहीं हुआ, इसलिए और जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो भटक गए। तो और ये जो पूर्णत्व जब होता है, आप जो बोल रहे हैं, तो वो पूर्णत्व के टाइम पे वो देह विलीन की अवस्था में ही पूर्णत्व बोला जाएगा ना, जिसमें देह नहीं रहेगा। हाँ, वो तो परिणामिक बात है सुबीर जी, पहले देह के साथ पूर्णत्व आ जाता है। क्या आ जाता है? वो तीर्थंकर की जो स्टेट है, वो तीर्थंकर का स्टेट है, केवल ज्ञानियों का स्टेट है, देह में केवल ज्ञान खुला हो जाता है पहले, राइट हो जाता है, फिर जाके देह का कितना आयु कर्म बाकी रहा है, राइट, तीर्थंकरों का लंबा काल होता है, केवलियों का बहुत सारा, एक अंतर मुहूर्त मैंने 48 मिनट्स का समय होता है, मगर गौतम स्वामी जैसे का लंबा 20 साल था उनका केवल ज्ञान के बाद का काल, राइट। तो देह के भाग में चार कर्म रह गए, अघाती नॉन कवरिंग कर्म, जिसमें पुत्र, आयु, तो आयु कर्म, आयु का प्रमाण कितना है उस हिसाब से देह रहेगा, मगर वो पूर्णत्व वाला देह होगा, केवल ज्ञान सहित का देह होगा, केवलियों का देह है, गणधरों का है, तीर्थंकरों का है, जिसका जितना आयु कर्म, ठीक है, तो पहले तत्व देह के साथ होता है, बराबर,
फिर जब ये आयु कर्म खत्म हुआ तब वो छूट जाता है, तब इसीलिए दो पद दिखाए गए। 14 स्टेप्स का जो वर्णन है वितराग परिभाषा में, उसमें 13 स्टेप पूर्णत्व का सयोगी केवली, मैंने देह के साथ पूर्णत्व केवल ज्ञान, और 14 स्टेप अयोगी केवली, मैंने बिना देह वाला सिद्ध भगवान। राइट, स्टेप वाला भी सिद्ध भगवान ही है मगर वो देह के साथ है, और 14 स्टेप वाला बिना देह का सिद्ध भगवान। ठीक है, तो दादाजी का कोई भी एक सत्संग में था, और ऐसा भी हमारा आपका पुत्र का सत्संग में हम सुना है, जे दादाजी हम ज्ञान देने के बाद हमारा स्टेट एक्चुअली 12th में आ गया, ऐसा कुछ है? किसमें आ गया? 12th, आप जो 14 स्टेट का बात कर रहा था ना अभी, 5th स्टेट में। हाँ, ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है तब समझ से, अंदर जो समझ मिली कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्ध आत्मा ही हूँ, दृष्टि जिसको बोलते हैं, उस हमारा स्टेट 12वां गिना जाएगा यदि हम उसमें अविरत से रहते हैं। मगर व्यवहार भाग, मन वाणी काया शैलिश, शैलिश के नाम और उसकी माया और कर्म का जो भाग है जिसमें शुद्धिकरण प्रतिक्रमण शुरू हुआ, गलतियां दिखाई देनी हुई, वो 5th स्टेप ऊपर आया, वो 5th स्टेप से उसकी जर्नी आगे चलती है, और 5th से 12वें स्टेप तक जाने की अपनी ये प्रोसेस है। दादा भगवान A.M. पटेल व्यवहार से, उनके A.M. पटेल के भाग से 10th स्टेप तक पहुंच गए थे, और निश्चय में तो 12वां केवल ज्ञान स्वरूप था, तो मामूली सा रह गया था, और महात्मा लोग व्यवहार से 5th स्टेप से उनकी जर्नी शुरू करते हैं, बाकी समझ का प्रकाश 12वें स्टेप का मिला है। राइट, चलिए प्रकार से चलता है। तो आपका आज्ञा से और एक प्रश्न पूछूं? हाँ जरूर से। अच्छा, ये जो बर्तन और चारित्र, ये दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब अपना महात्माओं के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि ये चारित्र जो शब्द यूज होता है महात्मा के लिए जनरली यूज होता है, बिलीव सो। बर्तन और चारित्र में फर्क है। चारित्र के दो भाग हैं, एक महात्माओं की बात करता हूं, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। आपने सुना होगा दर्शन, ज्ञान, तप और चारित्र। यस यस, फोर फिलर्स। तप और चारित्र, तो रूपी शुद्धात्मा हूं, मेरा जो मूल शुद्ध दर्शन, अरूपी दर्शन, अमूर्त दर्शन और ज्ञान, उसी में मैं रहूं, ये प्रकृति से भिन्न रहने का मेरा तप स्वरूपी पुरुषार्थ, रिलेटिव और रियल को एकाकार न होने दूं, मैं शुद्धात्मा में ही रहूं, अंदर के या बाहर के रिलेटिव में तन्मयाकार न हो, वो तप से मेरा चारित्र, आत्म चारित्र, आत्म स्वभाव प्रकट हो रहा है, वो निश्चय चारित्र है। चरित्र अर्थ यहाँ परिणमन है, क्या है? परिणमन, परिणति और परिणमन, ये दर्शन के और तप के जरिए जो मैं रहने के पुरुषार्थ में हूँ, वो मेरी परिणति ऊपर नीचे होती होती परिणमन, मैंने शुद्धात्मा भाव में जो परिणमन हो रहा है वो शुद्धात्मा चारित्र या निश्चय चारित्र। प्रकृति का जो शुद्धिकरण हो रहा है प्रज्ञा के प्रकाश में, प्रतिक्रमण से, समझ से, ज्ञान से, व्यवहार से, वो चारित्र सेकेंडरी स्वरूप में, बाय प्रोडक्ट के स्वरूप में उत्पन्न हो रहा है। राइट, स्टेप से आगे जा रहा है 12वें स्टेप तक, वो व्यवहार वो परिणाम, सेकेंडरी परिणाम है, अंदर जो ज्ञान काम कर रहा है, जागृति है, पुरुषार्थ है उसका। तो महात्माओं के लिए निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र दो भाग हो गए। चारित्र ओवरऑल परिणति, स्टेट ऑफ बीइंग, कौन से स्टेट में कहाँ खड़ा है उसका एक इंडिकेटर बोला जाता है। और वर्तन तो पूरे दिन में बदलता रहता है, अलग अलग फाइलों के साथ अलग अलग वर्तन होता है, अलग अलग समय पर उसका अलग अलग, जिसे हम सादी भाषा में बिहेवियर भी बोलते हैं। राइट, आमतौर पे प्रकृति के वर्तन को हम वर्तन कहते हैं क्योंकि अंदर का तो दिखाई नहीं देता है। राइट, क्या है अंदर की वर्तना तो दिखाई नहीं देती, तो प्रकृति के वर्तन को कई बार बोलते भी ऐसा वर्तन क्यों किया, गलती वाला, मगर दादाजी बोलते हैं कि प्रकृति का वर्तन गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उस समय भी वो अंदर जागृत शुद्धात्मा हो सकता है, वो निश्चित चरित्र में या अंतर चरित्र में हो सकता है जबकि प्रकृति का ऐसा निकल रहा है। Right. या प्रकृति है मगर अंतर में ज्ञान में न भी हो, दोनों चीज हो सकती है। Right. तो अलग अलग है, ठीक है। और Right. आप सब लोगों की जब इच्छा हो, अंतिम 10-15 मिनट रह जाए तो मुझे बोलना, हम कुछ प्रयोग भी करेंगे जिससे हमारे पुरुषार्थ को कुछ बल मिले।
क्योंकि द्वारकेश जी ने मुझे बोला था। फ्रीज हो गया द्वारकेश इन पर कि भाई आप कुछ विधि करके प्रार्थना करके प्रयोग जरूर से आपका ऑलवेज आपका आवाज ब्रेक होता है। आप सबकी इच्छा होगी तो करें। वर्तन और चारित्र में क्या फर्क है? रुक के आ रहा है थोड़ा। शैलेश अनिल जी आपका फ्रीज हो गया और आवाज भी नहीं आ रहा है। जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी जय सच्चिदानंद नहीं आ रहा है, फ्रीज हो रहा है। अभी वो रिकनेक्ट करेंगे। आपका फ्रीज हो गया है, जरा वापस रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्टिंग अगेन। सुबीर भाई आपका हो गया क्वेश्चन? हाँ हाँ हो गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Dr. Bharti, just a minute, let Aptaputra come back, then you can talk, just be ready. Unmute kar dijiye. Haan, unmute hai Dr. Bharti. Not on the screen now. Yeah, we can hear you, Dr. Bharti. Go on, Doc. Yeah, just hold on. We want to hear doctor asking question to doctor. Just a minute. He's come. Aage. Unmute कीजिए उनको. Unmute. भाई आप शैलेश भाई को अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ 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 आई हैव उनको करिए जरा। ही कैन अनम्यूट ही आई मेड हिम आप कर दीजिए। हाँ आ गए। सच्चिदानंद आपका इको आ रहा है शैलेश आनंद जी, दूसरा वाला ऑफ कर दीजिए। हाँ भाई एक मिनट भैया एक मिनट। हाँ जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती प्रश्न पूछना चाहती है। हाँ जरूर। इंडिया में एनुगु में रहती है। जरूर से पूछिएगा। जय सच्चिदानंद। मेडिकल डॉक्टर है। हाँ हाँ जय सच्चिदान। हम व्यवहार से हमारे जाति अनम्यूट कीजिए। या वी कैन हियर यू नाउ। गो अहेड। पुट योर वीडियो आल्सो ऑन सो दैट ही कैन सी यू। कोल्ड ज्यादा है। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बतलाइए। ये ज्ञान स्वयं क्रियाकारी है बोलते उसका आप समझाइए। जय सच्चिदानंद। पहले भाषा में बात कर लूं, हम लोगों को पेसमेकर रखते हैं, ये रखते हैं, भले वो बैटरी ऑपरेटेड है मगर एक बार सेट कर दिया तो वो अपने आप मोशन को सेंस करके काम करता रहता है, हार्ट को चलाता रहता है, कम होती है फिर हम अंदर जाके पेसमेकर को कुछ करना नहीं पड़ता है अनलेस वी नीड टू चेंज द बैटरी आफ्टर मेनी इयर्स। उसी प्रकार ज्ञान क्रियाकारी है, उसका मतलब है कि अंदर में एक बार ये समझ मिलती है फिर जो जो प्रसंग फेजेस या अवस्था अंदर बाहर जो खड़ी होती है वहां
वो अपने आप से हाजिर हो जाता है, अपने को समझ देता है, अपने को जागृत भी करता है, अपने को जहाँ कुछ जरूरत होती है वहाँ चेतावनी भी देता है, और टू कीप अस ऑन द करेक्ट पाथ, जिसके परिणाम स्वरूप दो चीज होती है। एक, इट ट्राइज टू प्रिजर्व अवर ब्लिस, हमारा आनंद बरकरार रहे। भारती जी को कंफ्यूजन हो भी सकती है, शैलेश को कंफ्यूजन हो भी सकती है, कुछ संजोग भी ऐसे आ सकते हैं। वो ज्ञान मन को एक बाजू समाधान देता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, दूसरी बाजू में शुद्धात्मा उस वो भी मुझे रखता है, और मेरा आनंद बरकरार रहे कोई भी अवस्था में, मैं मुक्त रह पाऊं इस तरीके से रहता है। दूसरी बाजू प्रकृति को समाधान देने का और शुद्धिकरण का भी काम करता रहता है, जिसमें कई बार हमें सोचना भी नहीं पड़ता है, कुछ ध्यान उसके पहले ही वो अपने आप चालू हो जाए। ज्ञान इसके लिए उसको बोला गया है कि ज्ञान स्वयं क्रियाकारी है, सेल्फ ऑपरेशनल या सेल्फ फंक्शनल जिसे हम बोल सकते हैं, इट कीप्स ऑन फंक्शनिंग ऑन इट्स ओन। मगर यहाँ फर्ज ये बनता है कि हम उसको सिंसियर रहें, और वो जो भी कुछ जागृति या समझ हमें मिलती है वो उसके उसको उसके आधार से हम चले, लाइट से चले, अंधेरे से न चले, ऐसा इतना हमारे भाग में है। Okay. And there is a saying, आनंद सभी सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और डॉक्टर होने के नाते तो आपको भी और हम भी और लोगों को भी तो मालूम है कि काफी कुछ शरीर मन अकेला नहीं, मगर शरीर मन और आत्मा जो व्यवहार के लोग समझते जुड़े हैं। तो जब स्ट्रेस होता है, ग्रिप होती है, डिप्रेशन, सैडनेस, इनएडवर्टेंट फीलिंग्स होती है, तो न केवल मन बिगड़ता है, शरीर में भी रोग होते हैं, इम्यूनिटी भी डाउन होती है। मगर जब आनंद होता है, जब उस सब में से हम मुक्त होते हैं, स्ट्रेस होते हुए भी हम स्ट्रेसफुल नहीं रहते, अंदर से मुक्त हो सकते हैं, तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोग भी चले जाते हैं। शरीर के ऊपर उसका फायदा है, मन के ऊपर तो है ही है, शुद्धात्मा के ऊपर तो है ही है। तो दादाजी ने बताया कि शोक से कर्म भी का बंधन भी है, और निजानंद सही आनंद में रहने से कर्म से मुक्ति भी है। कितना जय सच्चिदानंद, सरल कर दिया, क्या कर दिया, सरल कर दिया। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि सही साइंटिस्ट वो है जो बात को एकदम सरल कर दे, क्या कर दे, सरल, सिंपल, सिंपल। सो मुक्ति में जाने के लिए यू हैव टू बी सरल। हाँ, मगर सरल होना है तो उसका कारण और प्रोसेस तो चाहिए ना। जब तक मेरे पास समझ नहीं है तब तक मैं चाहूं तो भी सरल नहीं हो सकता, या मानूं कि मैं सरल हूं मगर लोगों को सरल नहीं लगूंगा। क्यों? क्योंकि गलत समझ के प्लेटफॉर्म पर मैं बैठा हूं, मैं शैलेश हूं, तो फिर मेरा अहंकार भी काम करेगा, मेरा क्रोधमान माया लोभ काम करेगा, और मैं मानूंगा कि मैं तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं, मगर वसंत जी को तो लगेगा कि ये कितने इगोइस्टिक है। तो जब सही समझ मिलती है तभी जाके काम। दूसरा चीज, जब मैं दुख मुक्त हो जाऊंगा, मैं जब सही रूप में आनंदित हूंगा, तो मेरे शब्द मन वाणी काया या मन वाणी वर्तन से लोगों को आनंद मिलेगा। जब तक मैं ही सुखिया नहीं हुआ हूँ, मैं ही ये छोटे मोटे दुखों में हूँ, परवस्था में हूँ, तो मैं चाहूँ तो भी मेरे मन वाणी काया से, मेरे शब्द से लोगों को सुख नहीं मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं दुख होगा। सो ये सब जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड साइंस है पूरा है। जैसे हमारा मेडिकल साइंस है, किसी का कंप्यूटर साइंस है, ऐसे पूरा अंतर्विज्ञान है, जो कोई व्यक्ति की देन नहीं है, मगर व्यक्ति निमित्त हो जाता है सनातन तीनों काल के लिए। और ये काल में दादाजी के हिसाब से बहुत सरल रूप से, बहुत एग्जैक्टली और बहुत फुल प्रयोग, पूरा प्रयोग जिसे बोलते हैं, संपूर्ण प्रयोग के स्वरूप में हमें प्राप्त हो गया, जो हमारे जीवन व्यवहार के साथ साथ चलते चलते हमें मदद करे। पहले तो लोग बोलते थे घर छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, और फिर भी ठिकाना नहीं, कोई
एश्योरेंस तो था ही नहीं कि वहां जाने के बाद क्या होगा। फिर तो आप फंसे, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। यहाँ दादाजी ने बोला कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक स्वयं क्रिया करी विज्ञान दे देते हैं और वो काम करते रहेगा। फिर आप बच्चों की शादी का सब व्यवहार चलाओ, सब कुछ कराओ। सब लोग बोलते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो ये करो वो करो, बरोबर है तो सत्संग में चरण विधि पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो। भारती जी ऐसा है, लोग अपने अपने समझ से बोल रहे हैं कि कोई बोलता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लो, कोई बोलता है बी फ्लेक्स फोर्ट लो, कोई बोलता है विटामिन डी लो, कोई बोलता है ये लो, हम बोलते हैं जैसे अलग अलग डॉक्टर ऐसे है। हमें बात का तात्पर्य समझ लेना है कि मैं शुद्धात्मा हो गया हूँ। अभी ये भारती जी हैं तो भारती जी का व्यवहार सरलता से निर्बोध होके निपटता रहे और शुद्धिकरण को होता रहे और मेरी शुद्धात्मा का आनंद बढ़ता रहे, इसके लिए क्या है? तो मूल रूप से तो स्वयं क्रिया करी ज्ञान और पांच आज्ञा है, मगर इतने से काम चलता नहीं हमारा क्योंकि पूरा माहौल प्रेशर वाला है। परमाणु अंदर दादाजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि मन वाणी काया का जो विभाग है मेरा उसमें वैक्यूम नहीं रहता है। उसमें यदि मैं इस दिशा के परमाणु नहीं डालूंगा तो दूसरी दिशा में ले जाएगा क्योंकि आसपास में पूरा सब लोगों के वाइब्रेशंस का समुद्र भरा हुआ है। तो अवकाश के समय में जब हमको फ्री टाइम मिलता है तब रिलेटिव रियल चरण विधि रिलेटिव नहीं है, अकेली रिलेटिव रियल है वो बोलने से, या जब मुझे समय मिला थोड़ा बहुत भी मैं कर लेता हूं तो जैसे मेरा मोबाइल फोन में चार्ज करता हूं उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, उसी प्रकार से मेरा इसमें रिलेटिव को भी फायदा शक्ति मिलती है और रियल चार्ज हो जाता है कि नहीं मैं शुद्धात्मा ही हूं। तो इसलिए उसको निश्चय व्यवहार चरण विधि बोला गया है। मगर सब लोग बोलते हैं करो, उसका मतलब सामान्य है कि ये करने से फायदा है। फिर अपना अपना हिसाब देख के हमें सेटिंग कर लेना है कि हमें कितना समय है, कब समय है, कैसा है, क्या है, क्या नहीं। और दूसरी चीज कि ये प्रकृति नामधारी की मैं जानता हूं, मैं शुद्धात्मा हूं जानता हूं, तो मुझे ये सब अलमारी पड़ी हुई है दवाइयों की विटामिनों की, उसमें से सब नहीं लेना है, मगर कौन से समय मुझे क्या जरूरी उपकारी और यूजफुल है मैं यूज कर लूंगा। कभी कभी करके एक दो पद सुनने से गाने से मेरा अंतस्कर पूरा प्रकृति आनंद में आ जाता है, मैं शुद्धात्मा में आ जाता हूँ तो कविराज के पद का यूज कर लूंगा। कभी कभी बहुत वो हो गया तो आप्तवाणी के एक दो पेज खोल के देख लूंगा, मैं जागृत हो जाऊंगा। तो अलग अलग समय पर हमें यूजफुल एंड बेनिफिशियल हो ऐसे दादाजी के निमित्त से अलग अलग प्रयोग साधन निकले हैं, मगर मूल चीज तो आपको जो विज्ञान मिला, मैं शुद्धात्मा हूँ, पांच आज्ञा मिली, मगर ये सब हेल्पिंग टूल्स है। क्या है जो आप अपने tools. अपने हिसाब से चुन के जब चाहो तब प्रयोग कर सकते हो। ओके और उसमें दादा भगवान असीम जय जयकार एक बिल्कुल सरल आनंद और सब कुछ उसमें आ जाता है, एकदम परफेक्ट इजी। बुद्धि का काम ही नहीं, कुछ लड़ाओ नहीं बुद्धि, बुद्धि चली जाती है और आनंद। तो ये सब साधन कैसे हैं कि ये मन वाणी काय के व्यवहार भाग में धर्म ध्यान मैंने अपने को आनंदित और हल्का कर देते हैं, और निश्चय में शुद्धात्मा का शुक्ल ध्यान मैंने मैं शुद्धात्मा हूँ आई एम द प्योर सोल सेल्फ वो अवेयरनेस और अनुभव करवा देते हैं। तो दोनों प्रकृति में धर्म ध्यान और अंदर निश्चय में शुक्ल ध्यान ऐसा करवाने वाले ये सब साधन है। ठीक है और जैसे मैंने बताया वैक्यूम नहीं रहेगा, थोड़े दिन आपने सत्संग अटेंड नहीं किए, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ लिखा, कुछ साधन नहीं किए, तो थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा कि आनंद कहाँ चला गया, जैसे रस्ट लग गया तो फिर वापस जाके जुड़ना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? जुड़ना पड़ता है, वापस चार्जिंग, रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी। यस यस यस, सो ये रिचार्जिंग के लिए टूल्स है सब। ओके एंड हेल्पिंग टूल्स, हेल्पिंग टूल्स। यस ओके जय सच्चिदानंद। और लोग क्या बोल रहे हैं? राम जी कोई प्रयोग करने का बोल रहे हैं और कुछ बता रहे हैं? और कोई क्वेश्चन? शैलेश आनंद जी आप वो प्रयोग की बात कर रहे थे। हाँ आप आ गए, आपको राह देखिए।
हाँ करीबन 20 मिनट बाकी है। हाँ नहीं हुआ वो तो थोड़ी प्रार्थना बोल के 10-5-10 मिनट का करेंगे। एक रीत सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि जिससे हम जब अवकाश मिले कुछ न कुछ कर पाए। तो मैं मेरा अनुभव एक 2 मिनट में शेयर करके प्रयोग की विधि करते हैं हम। प्रयोग की पहली जरूरियात ये है कि पूरे दिन हम व्यवहार में होते हैं तब हम भले मैं शुद्धात्मा हूँ ख्याल रखते हैं, भले 5 आज्ञा में रहने का हमारा पुरुषार्थ है, मगर ये हमारी चित्तवृत्तियां सब रिलेटिव में जाती हैं, फंसी होती है तो पूरा रहता नहीं एग्जैक्टनेस से, और हमारा आनंद भी थोड़ा कम हो जाता है, अप डाउन होता है। तो अभी तो सत्संग चालू है तो हम सब शुद्ध उपयोग में है तो उसको वापिस लाने का जरूर नहीं है, मगर आमतौर पर जब आप व्यवहार में घर पे करोगे तो आप बैठ के दादाजी को हाजिर करके अंधारा कोटि वर्ष का पद बोलना, 5 बार त्रिमंत्र बोलना, और फिर ये शुद्धात्मा के गुण बोलना जो हम बुलवा रहे हैं, और फिर जिस दिशा का प्रयोग करना है उसकी प्रार्थना करना। मान लो आज हम लेंगे कि फाइल एक के ज्ञाता दृष्टा रहने का मुझे प्रयोग करना है, तो फाइल एक को मैं देखने जाने वाला हूँ, अच्छा विचार आए बुरे विचार आया, अच्छा किया बुरा किया किसी के, पर मैं तो उसको सिर्फ देखने जाने वाला, उसमें तन्मय नहीं होता हूं। तो हमें दिखाई देगा कितना मैं पूरे दिन में देखना जानने वाला रह सका, कहां मैं तन्मय हो गया, कहां भूल गया, शैलेश में अंदर चला गया जो वसंत भाई कोठारी ने बोला ना। मगर वो एक प्रयोग में रखेंगे धीरे धीरे तो अपना प्रयोग सुदृढ़ होता जाएगा। शुद्ध उपयोग के मुख्य 2 भाग है कि जब मैं बाहर देख रहा हूं या किसी के साथ व्यवहार में, या तो कोई याद आया या तो बाहर नजर है तो उसमें रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखूं, और जब अंदर नजर है तो फाइल एक को देखते रहूं। वर्धमान स्वामी ने अपने पुद्गल को ही देखा था अंत तक, और दादा भगवान ने भी बताया कि हम जब से ज्ञान हुआ है एम पटेल के पड़ोसी, एम पटेल हमारे पड़ोसी है, हम उसमें तन्मय नहीं हुए, उसके देखने वाले ही हम रहे हैं। तो मान लो आज हम वो प्रयोग की प्रार्थना करेंगे, मगर ऐसे भिन्न भिन्न प्रयोग की प्रार्थना हम कर सकते हैं कि भाई सब फाइलों में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखने की शक्ति दीजिए, तो सब फाइलों दिखाई देगी बंद आंख से, व्यवहार और रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखेंगे। दूसरा फाइल एक का ज्ञाता दृष्टा रहने का प्रयोग है। तीसरे स्टेप में हम एक एक फाइल को लेके उनके साथ जो ये फाइल एक का व्यवहार अनफोल्ड हो रहा है व्यवस्थित में, और उसमें कहीं जो जो गलतियां हैं वो मुझे देखने जानने की शक्ति दीजिए, तो फाइल भी दिखाई देगी, उसके शुद्धात्मा भी दिखाई देगी, अपनी फाइल एक भी निकलती हुई दिखाई देगी, हम तो शुद्धात्मा है व्यवस्थित, और उस गलतियां साफ होती चली जाएगी। ऐसे एक एक फाइल को लेके कर सकते हैं। उसमें अपनी फाइल 2 के साथ तो हमारा पूरा जीवन जाएगा, तो भी हमारे प्रतिक्रमण चलते रहेंगे काफी समय तक, उसमें कोई गलती है क्योंकि वहां हमें मूल रूप से वितराग होना है, क्या होना है, और वो परमाणु बहुत इंट्रिकेटली जुड़े हैं। फिर फाइल 3-4 जो भी है, और फिर जो कम व्यवहार वाली फाइल है वो भी आएगी। तो फाइलों का एक एक करके हम प्रयोग में रख सकते हैं। फिर आगे चलेंगे तो हर एक फाइल घर की, सत्संग की, व्यवहार की या जॉब की, उसमें जो अभिप्राय पड़े हैं तो हम अभिप्राय देखने की सामयिक कर सकते हैं। तो जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हर एक आदमी के लिए कोई छोटा मोटा अभिप्राय तो पड़ा था, फिर भले ही वो प्लेन में कब थोड़े घंटे के लिए क्यों ना साथ में आया या व्यवहार में ज्यादा साथ में आया, मगर कैमरा में यदि मैंने शुद्धात्मा नहीं डाला, जागृत नहीं रहा, तो अभिप्राय दे ही देता है वो कि देखो ना कैसा है यार, समझता ही नहीं, सभ्यता ही नहीं, या तो अच्छा है नहीं, वेरी गुड पर्सन, हाँ जेंटलमैन, कोई ना कोई अभिप्राय दे देगा, वो अभिप्राय दिए बिना रहता ही नहीं है। सो अभिप्राय जब मैं देखूंगा तो अभिप्राय ज्ञेय है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, शुद्धात्मा दिखाई देगा, और अभिप्राय से मैं छूटने लगूंगा, और अभिप्राय से मुक्त होने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। व्यवहार दादाजी ने बताया पूरे जगत में घूमो, सब व्यवहार में आओ, मगर अभिप्राय से मुक्त हो जाओ, क्योंकि अभिप्राय से ही हम बंधे हैं और अभिप्राय ही मन को जन्म दाता है, क्या है। तो फिर अभिप्राय का लिया हमने, उसके ऊपर फोकस किया। फिर आगे चले तो टेप रिकॉर्ड का लिया कि फाइल एक की टेप रिकॉर्ड कैसे निकल रही है, उसमें कहाँ कहाँ पकड़ है, खेच है, आग्रह है, आरोह अवरोह है, तो वो मुझे देखने की शक्ति दीजिए। उससे किसी को पसंद आती है, किसी को ना पसंद आती है, किसी को दुख होता है किसी, तो वो देखने की शक्ति दीजिए। अपनी
टेप रिकॉर्ड परिणामिक रूप से औरों को क्या असर कर रही है वो देखने से अपने टेप रिकॉर्ड का स्वरूप नजर में आता है हमें क्या आता है। हमें तो अच्छा ही लगता है मगर दूसरे को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये कैसा काम कर रही है। तो सामने दूसरे की टेप रिकॉर्ड निकलती है और शैलेश को क्या असर करती है वो तो मेरा पूरा विज्ञान ही नींद में चला जाता था। जैसे ही कोई बोला नहीं और सब भूल गया, शुद्धात्मा भूल गया, शैलेश से भिन्न सब भूल गया, शैलेश को बोलता है कुछ भी याद नहीं रहता। तो वो मैंने प्रयोग में रखा कि दूसरे की टेप रिकॉर्ड फाइल एक को जहां असर करती है, दादा मुझे शुद्ध उपयोग की विज्ञान दृष्टि से देखने की दृष्टि समय करने की शक्ति दीजिए। फिर आगे चले तो धीरे धीरे मैंने रखा नव कलम मेरे व्यवहार में पर भंग हो जाती है। कलम की भावना तो हम सब करते हैं मगर इंट्रोस्पेक्शन करके देखते नहीं कि ये कलम हम हमारे प्रयोग में जीवन में कैसी है। तो मैंने देखा कि हम दुभाने का जब किया तो 3 दिन चला कि मैं ओवरटली नहीं दुबाते हैं तो छोटी मोटी चीजों में मैं आप बात नहीं मानू या तो मुंह मोड़ू या तो मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा बोल के निकल जाओ तो आपका हम दुबेगा कि नहीं दुबेगा प्रमाण। सो व्यू पॉइंट जब क्रॉस होता है तो भी हम को चोट लगती है। तो ये मेरी समझ में आया कि स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म अहम को चोट कब लगती है कैसे लगती है। मैं मेरे स्टाफ को कि कोई बात भले ही मुझे मेरे लेवल से ठीक ना हो अगर मैं उसको इग्नोर कर दूं तो स्टाफ के हम को चोट पहुंचेगी। हाँ उसको प्रेम से समझाऊं कि भाई आपकी बात सही है आपकी अपेक्षा से पर मुझे ऐसा लगता है आपको हर्ज नहीं है तो ऐसा करे तो दादाजी ने इस तरीके से काम लिया। तो एक एक कलम को लेके भी कर सकते हैं प्रयोग कि कैसा चल रहा है जिसमें पहली कलम अहम दुभाने की बहुत उसमें पुरुषार्थ का स्कोप है, वाणी की कलम में बहुत पुरुषार्थ का स्कोप है और छठी विषय की कलम में बहुत पुरुषार्थ का स्कोप है तो वो उसको हम प्रयोग में रख सकते हैं। फिर जब आगे चलेंगे तो हम ये लेंगे कि व्यवस्थित शक्ति की आज्ञा मुझे कहाँ हाजिर रहती है और कहाँ नहीं रहती वो देखने की शक्ति दीजिए। और हमें दिखाई देगा कि कई जगह पे व्यवस्थित मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है वो दिखाई देगा। फिर आगे चलते हैं तो वो दिखाई देता है कि भाई औरों के दोस्त दिखाई दे तब तो मुझे जागृति में थोड़ी आती है रेड लाइन मगर ये सब कर रहे हैं उन्होंने अच्छा किया है उन्होंने सत्संग का आयोजन अच्छा किया तो भाई उन्होंने किया वो कर रहे हैं कि व्यवस्थित शक्ति करवा रही है। और दादाजी ने तो बताया कि मैं करता हूँ आप ते हो वो करते हो वो भ्रांति की बात है मगर वो तो मेरी व्यवहार में तो वही चल रही कि इन्होंने ये किया इन्होंने ये किया। हाँ भले दोष नहीं निकालूंगा दोष निकालूंगा तो जागृति आएगी मगर विज्ञान हटके है व्यवस्थित शक्ति सबको कर रही है वो मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है। तो सबको व्यवस्थित शक्ति करवा रही है वो भी प्रयोग में रखा हमने कई बार। फिर जाके वो प्रयोग में रखा कि मान की गांठ कहाँ काम करती है लोभ की गांठ कहाँ कैसे काम करती है सिक्रसी की गांठ कहाँ कैसे काम करती है। ऐसे धीरे धीरे प्रयोग में लेके आगे बढ़ते चले तो बहुत सारे परिणाम मिलेंगे। फिर तो हमें ये समझ में आया कि दादाजी ने अपने अनुभव में से जो जो बात कही है वो सब हम अंदर में प्रयोग में जाके रख सकते हैं कि भाई मेरा कैसा है इस बाबत में। तो इस ढंग से आप जो भी प्रयोग करना चाहते हैं प्रार्थना का स्वरूप प्रयोग के टॉपिक के हिसाब से आप रख देना बाकी टॉपिक की मेथड प्रयोग की सेम रहेगी। तो हम प्रार्थना बोलते हैं प्रयोग में फाइल एक का ज्ञाता दृष्टा रहने की शक्ति दीजिए वो रखते हैं 5 मिनट करते हैं सिर्फ फिर वापस हम बातचीत करेंगे मगर ये बहुत जल्दी आपको प्रगति करवाएगा और आवश्यक है मेरे हिसाब से तो करने योग्य तो है ही पर आवश्यक है। वहां तक हम सब सुनते जरूर हैं हमें अच्छा भी लगता है अप्लाई भी करते हैं मगर एग्जैक्टनेस से अनुभव नहीं हो रहा है प्रगति जितनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है क्योंकि ये। और दूसरा मेरे अनुभव में ये भी आएगी जब प्रार्थना करके बैठते हमें कुछ नहीं करना पड़ता है बुद्धि अपने आप चली जाती है गैरहाजिर हो जाती है दादा की प्रज्ञा हाजिर हो जाती है और वो काम करवाती है। ये जो भारती बेन ने पूछा ना स्वयं क्रियाकारी का सबसे अच्छा अनुभव यदि करना है तो ऐसे प्रार्थना करके आंख बंद करके दादाजी की हाजिरी में सामायिक प्रयोग में बैठ जाओ और फिर देखो कि ज्ञान क्या काम करता है। तो करें हम 5 मिनट के लिए जी हाँ 5 मिनट खत्म हो जाए राम भाई आप सच्चिदानंद बोल देना मैं घड़ी में देखूंगा आप देखना। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ मैं शुद्धात्मा हूँ मैं शुद्धात्मा हूँ मैं विशुद्धात्मा हूँ मैं विशुद्धात्मा हूँ मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ मैं परम
परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की तमाम रिलेटिव अवस्थाओं का, तमाम व्यवहार की अवस्थाओं का मैं देखने जानने वाला मात्र हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। हाईलेक की स्थूल से सूक्ष्म सभी अवस्थाओं का, मन वाणी काया का मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। हे सिमंदर स्वामी प्रभु, आप रिपीट कर सकते हैं। हे स्वामी प्रभु, हे दादा भगवान विराट परमात्मा, हे दादा भगवान परमात्मा, हम सबको शुद्ध उपयोग पूर्वक फाइल नंबर एक का ज्ञाता दृष्टा रहने संबंधी सामायिक करने की शक्ति दीजिए फाइल नंबर एक के किसी भी परिणामों में व्यवहार की कोई भी असरों में मैं तन्मयाकार न हूँ मेरा न मानूं मगर देखने जानने वाला ही रहूं ऐसी शक्ति दीजिए जय सत्यम।
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आमतौर पे 10 मिनट से शुरू करना चाहिए, पर ये तो हमने एक पद्धति ली। आगे चल के जब आपको कोई ऐसी इच्छा हो कि भाई सत्संग के अलावा ऐसे प्रयोग के लिए ही हम आधे घंटे मिले, तो वो भी करेंगे। जिनकी इच्छा, तो फिर वो थोड़ी बात करके प्रयोग करेंगे, जहाँ अपने अपने जगह बैठे और दादाजी सबके साथ हाजिर रहेंगे। मगर बहुत अद्भुत अनुभव होंगे ये धीरे धीरे करते करते। जैसे कबीरराज ने जो शक्ति मांगने का जो शब्द यूज किए, वो आप कोठारी जी को हिंदी में या भेजिए, तो फिर ही कैन सर्कुलेट अमंग अस। हाँ, भेज दूंगा, जरूर से भेज दूंगा। जैसे मैंने बताया, जो भी दिशा का प्रयोग करना है ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, और जैसी आए ऐसी प्रार्थना करो। ऐसा नहीं है कि मेरे बुलाए हुए शब्द बोलो, आप करोगे तो आपको होगा कि दादाजी की कृपा कैसे अंदर हाजिर होके काम करती है। जी जी। और बहुत अंदर ऐसे ऐसे नए नए दिखाई देंगे कि भाई ये फिल्म जो चल रही है स्थूल से सूक्ष्म, मैं तो ज्ञाता संबंधी हूँ। फिर फाइल को बोझ है तो भी अपने को नहीं लगेगा, और फाइल मस्ती में है तो भी हम देख रहे हैं, फाइल बोझ में है तो भी हम देख रहे हैं, और जो भी मन ये ज्ञान वो सब बदला, बहुत आनंद आएगा। जी जी। व्यवस्थित में फिल्म क्या निकल रही है जी, इसकी शशांक की मेरी सबकी, अनामी अरूपी जो तो परपोटा न उदय कर अग्नि अवस्थे बन जाए लो प्रकाश जी जी, में उपयोग में रहेगा सब चीज ऐसी ऐसी। सचिन, अभी आप लोग जो भी बताओ, ऐसा 5 मिनट भी कर तो आनंद होता है। हो गया है शशांक भाई से, दादा भगवान ने आशीर्वाद देकर बहुत अच्छा गवाते हैं शशांक भाई। जरूर 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 जरूर। हाँ, और सारे महात्मा अगर चाहे तो अपना वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं, सब एक दूसरे को देख सकते हैं। जरूर, पहले तो अभी आप हम सब जय जयकार कर ले। शशांक भाई आप बोलिए और म्यूट रहिए सब, मैं तो फिर बाकी सब आप सबको म्यूट कर दीजिए। मेहता साहब रिपीट करेंगे और आपका पुत्र जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान असीम जय जयकार, दादा भगवान असीम जय जयकार, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान
सिंह जय जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान ना सिंह जय जयकार हो दादा भगवान ना सिंह दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना सिंह जयकार हो दादा भगवान ना सिंह जय 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 जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो जय सच्चिदानंद 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 गिरीश भाई जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गिरीश भाई जय सच्चिदानंद 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 राजारण जी और जया जी जय सच्चिदानंद सचिनी अंकल जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हमारा प्रणाम बोल रहे जय सच्चिदानंद जय आशा करते हैं फिर मिलेंगे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद इसको आपने अगर रिकॉर्ड किया है तो मुझे भेज दीजिए हाँ
राम भाई जरा वो हिंदी में कोई सत्संग है बड़े दादा का जो मैंने रिक्वेस्ट किया था? जरूर जरूर पता लगाएंगे, रेडी नहीं है बट होना चाहिए। है हिंदी में, दादा जी का है हिंदी में। अर्जन अर्जन भिजवाएंगे। फॉरवर्ड कर सकते हैं शिशानंद जी, अगर फॉरवर्ड कर सकते।